फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्यूशन। तो जैसा कि आप जानते हो कि स्लाइडिंग राउंड का रिज़ल्ट आज आने वाला था, तो रिज़ल्ट स्लाइडिंग राउंड का आ चुका है। अगर आप थर्ड राउंड में अगर आपको कोई भी कॉलेज मिला था, तो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा कॉलेज, उसके बाद अपग्रेडेशन आपकी बहुत अच्छी हुई होगी। अगर आपने फ्लोटिंग पे रखा होगा, अपना फ्लोटिंग ऑन रखा होगा, तो बहुत अच्छा कॉलेज मिला होगा। क्योंकि तो अब आपको रिपोर्टिंग करना है। रिपोर्टिंग करने के लिए आपको इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ले जाना बहुत ज़रूरी है। तो वो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का वीडियो मैंने पहले बना चुकी हूँ, तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देख सकते हो मेरे। उसमें आपको बहुत ही अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं और कौन कैसे बनवाना है, सब कुछ एकदम स्टेप बाय स्टेप और एकदम अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आपको उससे हेल्प मिल जाएगी। तो रिपोर्टिंग करने टाइम आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाना, नहीं तो फिर परेशानी हो सकती है रिपोर्टिंग में। तो मैम, कुछ फ़ीस भी होगी जो वो आपसे लेंगे, मतलब 40,000 जो उनकी एकेडमिक फीस होगी वन ईयर की, उसमें 40,000 माइनस करके जितना भी होगा वो आपको फिर फीस उसी दिन देना होगा रिपोर्टिंग के टाइम। तो अगर आप को जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पे जाके या फिर अगर वहाँ पे फ़ोन नंबर अवेलेबल है तो आप फ़ोन करके ऐसे पूछ सकते हो कि आपको और कितना अमाउंट पे करना होगा और किस मेथड से। मीन्स कि UPI का शायद ऑप्शन नहीं रहता, तो वहाँ पे शायद चेक और DD के फॉर्म में देना होता है फ़ी जो बची हुई रहती है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आप कॉल करके पता कर सकते हो, और डॉक्यूमेंट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच।